मुरैना के अलापुर गांव की सरपंच ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है सरपंच आपके द्वार। इसमें सरपंच व उनके पति व पंचायत के कर्मचारी गांव में घूमते हैं तथा हर घर के सामने जाते हैं तथा वहां की पंचायत से संबंधित समस्याएं सुनते हैं व उनका निराकरण करते हैं। सरपंच मंजू व उनके पति राजकुमार यादव ने बताया कि यह जिले में नई पहल है। इसकी शुरुआत करके उन्होंने जिले के सभी सरपंचों को एक राय दी है कि वे भी अपने गांव में घूमें तथा घर घर जाकर घूमें तथा लोगों की पंचायत स्तर की समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने बताया कि कई लोगों की परिवार आईडी में खामियां होती हैं, किसी का नाम सही नहीं छपा होता तो किसी की जन्मतिथि। इन छोटी चीजों के लिए ग्रामीण को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा वह पंचायत के चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बावजूद अगर सुधार नहीं होता तो शासन की कई लाभकारी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि शासन की कई लाभकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में लोग इनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए सरपंच का कर्तव्य बनता है कि वह ग्रामीणों तक पहुंचे तथा उन्हें योजना की जानकारी देकर पात्र लोगों को उसका लाभ दिलाएं। सरपंच मंजू व उनके पति राजकुमार यादव पंचायत सचिव को लेकर सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं जिससे लोगों की छोटी पंचायत संबंधी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण जाए। अभी तक वे 20 लोगों की आईडी संबंधी समस्याओं का निराकरण कर चुके हैं। पंचायत के लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए पंचायत भवन भटकना पड़ता था, कभी सेक्रेटरी के घर, कभी सरपंच के द्वार घर पर, तमाम छोटी छोटी चीजें थी जिसके लिए जनता परेशान थी। अच्छा, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम सब सेक्रेटरी और मेंबर सब साथ में जाएं और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे परिवार आईडी में कोई संशोधन करना है तो हम उनके द्वार पर जाके करें। अच्छा, अगर किसी को बीपीएल पात्र दिख रहा है, उसका बीपीएल नहीं बना है, कोई गरीब परिवार है तो वो हमारी समझ में आ जाता है गांव में घूमने से। किसी की पार्ट आउट पड़ी है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, क्योंकि आवेदन तो आवास के लिए बहुत से आए लेकिन अब उनका हमें पैसे पता चले ये व्यक्ति गरीब है, इसलिए हमने कार्यक्रम बनाया कि हम जनता के द्वार पर जाए और पात्र हितग्राहियों को, जो भी पात्र हितग्राही हैं उन्हें शासन की एक एक योजना का लाभ मिले। अभी तक कितने लोगों को आपने लाभ दिया है? अभी आज हम गए तो लगभग 15 लोगों की आईडी हमने सही की। आईडी की प्रॉब्लम थी, किसी में उम्र का किसी बच्चे की आईडी नहीं, किसी बहू की आईडी नहीं, कोई वृद्ध मृतक हो गया उसकी आईडी को हटाना, ये सब कार्य हमने किया।